हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है हेरिडिटी। आज हम इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना हेरिडिटी, ये हमारी लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कैसे ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या हमारी लाइफ जो है वो इससे इन्फ्लुएंस है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये हेरिडिटी है क्या। तो चलो लेट्स बिगिन। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी। सो फ्रेंड्स, हेरिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि ये जो हेरिडिटी है ना, बेसिकली जो है ये एक प्रोसेस है। क्या है दोस्तों? ये एक प्रोसेस है, बट ये जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? हेरिडिटी जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स मींस जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, या हम कहें पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स मींस माता पिता से उनके बच्चों में, यानी कि उनके चाइल्ड्स में। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो इनहेरिटेंस और जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में। अब बात करते हैं आखिरकार ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स या इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को लिखा हुआ है ताकि आप इजीली समझे, यानी कि हेयर कलर या टाइप ऑफ हेयर। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, किसी का जो हेयर कलर है वो एकदम ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन भी होता है। ओल्ड एज में तो सबके व्हाइट हो जाते हैं, ये हम बात कर रहे हैं जो नेचुरल कलर है उनका। तो जो कलर आपके पेरेंट्स का होता है वही कलर ज्यादातर केस में हमें उनके बच्चों का देखने को मिलता है। टाइप ऑफ हेयर यानी कि कर्ल हेयर या फिर स्ट्रेट हेयर, ये दोनों कैरेक्टर्स जो है वो क्या है? इनहेरिटेंस कैरेक्टर, यानी कि माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है आइस कलर। आइस कलर भी क्या है? एक इनहेरिटेंस कैरेक्टर, जैसे कि ब्लू आई कलर हो गया, ब्राउन आई कलर हो गया, इसके अलावा ब्लैक, ठीक है, किसी किसी में हमें ग्रीन आई कलर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो ब्लू आई कलर है और ग्रीन आई कलर है ये बहुत रेयर होते हैं। ब्लैक आई कलर और ब्राउन आई कलर जो है वो हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस कैरेक्टर की, यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर की, जो कि है हाइट। सो ये जो हाइट होती है, कोई कोई फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टॉल। और कुछ फैमिली के मेंबर्स कैसे होते हैं? ड्राफ, यानी कि बौने। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो मीडियम हाइट साइज होता है, ठीक है, यानी कि ना वो ज्यादा लंबे होते हैं ना वो ज्यादा बौने होते हैं, तो कुछ फैमिलीज में हमें ये भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो जेनेटिक कैरेक्टर है वह है डिम्पल्स। डिम्पल्स यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो चीक्स होते हैं उन पर दोनों तरफ गड्ढे होते हैं, जिनको हम कहते हैं डिम्पल्स। तो दोस्तों यह भी क्या है? एक जेनेटिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट वन है हेयर ऑन ईयर। बॉयज के केस में या हम कहें मेल्स के केस में जो हेयर्स होते हैं कान के ऊपर, जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि फादर से उनके जो मेल चाइल्ड होते हैं उसमें ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो फेशियल एक्सप्रेशन की बात हो रही है वो पूरे फेस कट की यहाँ पर बात है, यानी कि आई, नोज, लिप्स, स्किन टोन एक्सेट्रा।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन स्किन टोन। तो दोस्तों यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन में भी स्किन टोन जो होता है वो आता है। तो जो स्किन टोन है यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पे स्किन के कलर की। कभी कभी डस्की स्किन होता है, कभी कभी व्हाइट स्किन कलर हमें देखने को मिलता है, तो वो डिपेंड करता है फैमिली हिस्ट्री पर। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। फ्रेंड्स जो इंटेलिजेंस और टैलेंट जो है वो भी हमें ज्यादातर केसेस में कैसा देखने को मिलता है, ये एक जेनेटिक इनहेरिटेंट कैरेक्टर है जो कि पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस और टैलेंट है ये हमारी खुद की मेहनत पर भी या हमारी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिफेक्ट्स की जो कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर हैं, लेकिन सिर्फ हमें अपने पेरेंट्स से अच्छे ही कैरेक्टर्स नहीं मिलते, कभी कभी हमें उनसे डिजीजेस भी या डिफेक्ट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस डिफेक्ट, जैसे कि डायबिटीज, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। सो फ्रेंड्स ये कुछ डिजीजेस या फिर इनहेरिटेंस डिफेक्ट्स थे जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, या हम कह सकते हैं अपर जनरेशन से उनकी लोअर जनरेशन्स में ट्रांसफर होते हैं। सो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया एक्चुअली हेरिडिटी क्या है और कैसे वे हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस रहती है या हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ बाहर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल आपके जैसा लगता है, इसकी आंखें आपके जैसी हैं। तो ये सब किस रीजन की वजह से है? ये है हेरिडिटी की वजह से। यानी कि हेरिडिटी वह प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स या हम कहें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफर होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डिफेक्ट्स, जिन्हें हम जेनेटिक डिजीजेस भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपकी समझ में आया हो कि हेरिडिटी क्या है और वे किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही बायोलॉजी की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कौन सी नई वीडियो, किस नए टॉपिक पे वीडियो देखनी है बायोलॉजिकल साइंस की। सो फ्रेंड्स आई होप You guys will understand that. Thanks for watching this.